क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। आपको बता दूं, सेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए। चलिए जरा सेट्स के बारे में समझे। सेट्स होती क्या चीज है? व्हाट इज सेट? हमने यहां पे लिखा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट्स कहलाता है। अ वेल डिफाइंड, पॉइंट टू बी नोटेड, वेल डिफाइंड का मतलब है आपसे पूछूं, आपके पड़ोसी से पूछूं, इंडिया में पूछूं, इंडिया के बाहर पूछूं, दिल्ली में पूछूं, दिल्ली के बाहर पूछूं, सबका आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? वेल डिफाइंड, उसको बोलते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो कलेक्शन है और ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं, इनके कलेक्शन को सेट्स कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, वो वर्ड्स मान लो जो इस्तेमाल होते हैं मोस्ट, बेस्ट होते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, हेलो, ये नॉट डिफाइंड होते हैं। और जो नॉट डिफाइंड हो वो सेट्स में आएगा ही नहीं। जो नॉट डिफाइंड हो वो सेट्स में आएगा ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जो नॉट डिफाइंड है उसे सेट्स में कैसे ले लोगे? चलो मैं कहूं सचिन जो है वो बेस्ट क्रिकेटर था। किसी के लिए उस समय सचिन बेस्ट था, हो सकता है कि कोई और क्रिकेटर तो और के लिए, हेलो, आज मैं बोलूं धोनी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, हो सकता है आपको धोनी ना अच्छा लगता हो, आप बोलो मेरे लिए तो विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर लगता है। लो जी कर लो बात। मैं बोलूं आपको कि अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर है जी, आप बोलोगे नहीं नहीं शाहरुख बेस्ट एक्टर है, आप बोलोगे नहीं नहीं सलमान खान बेस्ट एक्टर है। लो जी कर लो बात। अब किसको बेस्ट एक्टर बोलोगे आप? किसी के लिए तो कुछ और किसी के लिए कुछ, वो नॉट डिफाइंड होते हैं, उनके कलेक्शन को डिफाइंड नहीं किया जा सकता, तो उसकी बात ही मत करो। सेट्स मतलब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। क्या बोलते हैं इसको? सेट्स। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बता रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई करो अपने आंसर को, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो बताओ भाई, पहले वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट इसने बोला है यहां पे कि द कलेक्शन, क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, जे से। अच्छा चलो जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें जो जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं, देखो इट इज अ सेट। जानते हो क्यों? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अभी और बात समझो तो समझाता हूं कि ये सेट है या नहीं है। सेकंड में कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस राइट, सॉरी मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताओ मोस्ट वर्ड है, अंडरलाइन करो, इट इज नॉट अ सेट। जानते हो क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। आप इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे जो वर्ड लगा है ये मोस्ट है। क्या है? मोस्ट। ऐसे कहता है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है सेट या नहीं? नहीं है। अरे बेस्ट वर्ड लगा है भाई, आपके लिए बेस्ट कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस, किसी से भी बोलोगे सब बता देंगे, तो सेट है। पांच नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, किसी से भी दुनिया में पूछो सब बता देगा, एक से लेकर 99 तक के नंबर। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल बता सकते हैं, सभी बता देंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इवन इंटीजर्स, किसी से भी पूछो कोई भी बता देगा, सेट है ये। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये सब बता सकते हैं इनके। एंड द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, भाई किसी के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है छिपकली हो, किसी के लिए कॉकरोच और किसी के लिए शेर हो, तो नहीं हो सकता ये। चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलो जल्दी से। थर्ड क्या था? बुक है ना आपके पास, जल्दी बताओ थर्ड केस में क्या है, सेट है या नहीं है? क्यों?
यस वेल डिफाइंड नहीं है। चलो फोर्थ बताओ जल्दी से, फोर्थ की क्या कहानी है, क्यों फोर्थ क्यों है? क्योंकि कहता था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, भाई किसी से पूछो कोई भी बता देगा, बता देगा नहीं बता पाएगा। यस yes, तो क्या है ये, क्या है ये सेट है, बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये सेट है। पांच नंबर सेट है, क्यों सेट है जी? यस इट इज वेल डिफाइंड। छह नंबर बताओ जल्दी से, है सेट, क्यों सेट है? वेल डिफाइंड है। सात नंबर बताओ, सेट है, क्यों है सेट? वेल डिफाइंड, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आठ नंबर सेट है ये भी, क्यों भाई? यस बिल्कुल हो सकता है। और अल्टीमेटली जो लास्ट है आपके पास, क्या क्यों नहीं है? यस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसे वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये तो घर से रिटर्न में करके लेके आना, नोट करने वाला कुछ नहीं है। सेकंड में कहता है ए आपको दे रखा एक सेट है, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू, आपको बताना है। ओके चलो मैं लिख देता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू, उसमें ए एक सेट है और वो बता रखा है आपको क्या है, क्या बता रखा है? वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। चलो जी पहला पार्ट बताओ, क्या फाइव ए में है, हाँ या ना? क्या फाइव जो है वो इसके अंदर है? है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, किसका साइन लगाएंगे? बिलोंग्स टू का, अगर है तो। चलो सेकंड पहले बता दो, सेकंड क्या है आपके पास, क्या एट ए में है ये पूछ रहा है। थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या जीरो ए में है ये पूछ रहा है। फोर्थ में पूछ रहा है आपसे क्या फोर ए में आता है। फिफ्थ में पूछ रहा है आपसे वो क्या टू ए में बिलोंग करता है, देख के बता दो ए में है या नहीं है। बिलोंग मतलब उसके अंदर आना चाहिए। और सिक्स में पूछता है क्या टेन ए में बिलोंग करता है, ये क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। चलो जी तो एक एक करके, फाइव बिलोंग करता है ए में बट ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू ए बट फोर बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए करता है भाई, टू जो है ये एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में है, जबकि टेन जो है वो बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है आपसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, पॉइंट भी नोटेड, देख रहे हो सेंटेंस फॉर्मेट में दिखा रखा है, देख रहे हो सबको, किसमें दिखाना है? रोस्टर में, किसमें दिखाना है? रोस्टर में। x such that x is an integer and minus 3 less than x less than 7। अच्छा जी, मतलब पहले उसमें बोल रहा है x is an integer और ये है minus 3 less than x less than 7। पहले तो integer की क्या कहानी है वो बता दूं मैं, जैसे अगर मैं इसको denote करूं आपके पास, ये क्या क्या है आपके पास वैल्यू, मान लो अगर जीरो यहां पे लेते हो आप तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। क्या कह रहे हैं आपको ये, x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। इंटीजर बोले तो जीरो से राइट हैंड के सारे नंबर, इधर के सारे नंबर जो होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं, जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये इंटीजर कहलाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, कहता है एक्स जो है माइनस थ्री से बड़ा और सात से छोटा, माइनस थ्री से बड़ा और सात से छोटा, तो माइनस थ्री से बड़ा ये माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सात से छोटा तो ये, तो इसका मतलब है माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स,
इसमें माइनस थ्री और सेवन इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर है जी? चलो इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में कहता है आपको कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होना चाहिए। चलो जी बताओ नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो, नेचुरल नंबर समझते हो? 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट भी नोटेड, 6 इसमें लोगे हाँ या ना? क्योंकि कहता है 6 से छोटा होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। थर्ड, थर्ड में आपसे इसको सी से डिनोट करेंगे। पहले देख लो क्या कहता है, x सच दैट x इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट देयर सम इज 8। उसका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसको बताने के लिए तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है, मैं हमेशा कहता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी गिनती लिख लो। लिख लिया? और यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देख लो, टू डिजिट नंबर है और सबका सम क्या है? 8 है। देखा? ऐसा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है देखो कि डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर हो और 60 का डिविजर हो। चलो प्राइम नंबर और 60 का डिविजर हो, प्राइम नंबर और 60 का डिविजर, 60 का डिविजर निकालो जरा। आपने डिवाइड करना तो सीखा है। चलो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 30। आगे डिवाइड करो भाई जल्दी, 2 से कितना आएगा? 15। फिर कितने से डिवाइड करोगे? 3 से, 5। फिर किससे डिवाइड करोगे? 5 से, कितना आएगा? आपको बता दूं इसमें d और क्या बोल रहा है वो आपको, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो? प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। 2, 1 नहीं लेंगे, 3 और 5। और आपको बता दूं जो रिपीटेड होते हैं उनको काउंट नहीं करते, रिपीटेड होते हैं उनको काउंट नहीं करते, याद रखोगे जी? चलो अगला हमारे पास 5 नंबर है। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है देखो जरा, इस 5 नंबर में कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आते हैं। चलो लिखना शुरू करो, ई ट्रिग्नोमेट्री, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, आपको बता दूं जो डबल होते हैं उसको दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, याद रखोगे? ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में बोलता है द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, लिखना चालू करो, मेरे से पहले लिख लोगे आप, लिखो बी ई टी आर, और तो कुछ नहीं होगा इसमें, क्या कहते हो जी? अब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने को बोला है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेंटेंस फॉर्मेट में लिखो 3, 6, 9, 12। इसको कैसे लिखोगे सेंटेंस फॉर्मेट में? चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो 3, 6, 9, 12 है ना, तो 3 के टेबल में आता है। यस और नो? भाई 3, 6, 9, 12 है तो क्या 3 के टेबल में आता है? एंड एक्स इज लेस देन 15, क्या कहते हो जी? एक्स 15 से छोटा भी होना चाहिए। हेलो 3, 6, 9, 12, लेकिन अगला 15 वर्ड नहीं है तो वो नहीं चाहिए हमें, समझ में आया?
चलो सेकंड, सेकंड में क्या कहता है आपको, 2, 4, 8, 16, 32, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, ये जो है ये कुछ ऐसी कहानी। अच्छा एक काम और करो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये लिख लो या इसको लिख लो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 12 शामिल होगा इसमें। क्लियर है जी? लिखने के कई तरीके हैं, मर्जी आपकी है, आप जैसे ठीक लगे वैसे लिख लो। बी में ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 2 की पावर n, वेर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू जो है 5 और 5 से कम रखना है। रख के देखो, अगर 1 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2, 2 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4, 3 रखे तो कितना आएगा? 2 की पावर 3, 8 होता है, और 2 की पावर 4, 16 होता है, और 2 की पावर 5 कितना? 32, और इससे ऊपर जाना नहीं है, x की वैल्यू 5 और 5 से कम रखना है। समझ में आया? थर्ड, थर्ड केस में क्या कहता है, जो थर्ड है आपके पास बुक में, देखो बुक है ना, 525, 125 जो वैल्यू है आपके पास, 525, 125 और 625, बिल्कुल इसी के जैसा है। इसको लिखेंगे c such that x x equals to 5 की पावर n where n belongs to natural number and जो x की वैल्यू है, x नहीं सॉरी n, जो n है वो 4 और 4 से छोटा रखना आपको। ओके जी, फोर, चलो फोर देखते हैं जरा, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2, 4, 6, तो 2 का मल्टीपल है, यस और नो? कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो 2 का मल्टीपल है, तो d इक्वल्स टू x such that x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या कहते हो? चलो जी, 5 क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x such that, इसको लिख सकते हैं 2n, क्या लिख सकते हैं? एंड n belongs to natural number, रखो 1 तो 2 आ जाएगा, 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 6 आएगा, आएगा 4 रखो तो, मर्जी आपकी, ये लिखना चाहो ये लिखना चाहो। चलो e, e पार्ट में क्या कह रखा है जल्दी से देखो, e e ये मतलब फिफ्थ पार्ट, 1, 4, 9 और 100 है, तो ये तो ऐसा दिख रहा है कुछ, x such that x equals to x such that x equals to n square, क्या कहते हो जी? Where n belongs to natural number and n must be less than equal to कितना? 10, मतलब x जो है वो n स्क्वायर है, 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1, 2 रखो तो 4, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 16, हेलो, 5 रखोगे तो 25, और 10 रखोगे तो कितना आएगा? 100, समझ में आया? ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, ये तो अभी जानबूझ के थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं। पांच नंबर देखो जरा, फिफ्थ पार्ट 5 में कहता है लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, अब सेंटेंस फॉर्मेट में है और आपको सेट ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। चलो अपनी बुक से देखना, कहते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, चलो देखते हैं जरा ऑड नेचुरल नंबर, कुछ नंबर ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकता है, जा सकता है।
ठीक है, सेकंड में क्या कहता है आपको, इसको बी से डिनोट करते हैं, कहता है एक्स इज एन इंटीजर और इंटीजर जो है वो माइनस हाफ और 9/2 इसके बीच में होना चाहिए। देखो इंटीजर मतलब क्या, माइनस और प्लस के सारे नंबर ले सकते हो लेकिन फ्रैक्शनल नंबर, रूट वाले नंबर नहीं लेते। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं कि ये 0 है, क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिखूं मैं -1, -2, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बताओगे मुझे? नाइन बाई टू का मतलब होता है 4.5 होता है, तो वो यहां पे होगा, और -1/2 मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, होगा यहां पे होगा -1/2 और ये होगा 9/2, क्या कहते हो? तो इसके बीच के जो नंबर है वो हमारा आंसर है, बोले तो 0, 1, 2, 3 और 4। एक क्वेरी एक बच्चे की, बोलो। बच्चा कह रहा है 9/2 जो है वो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आता है। हेलो, आता है तो 4 और 5 के बीच में आएगा। चलो आगे चलते हैं, थर्ड थर्ड केस में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। देखो एक्स स्क्वायर, अभी मैं इसको 4 मान लूं, मान लेते हैं, समझ रहे हो? अगर मैं 4 मान लूं तो एक्स को हम लिख सकते हैं +-2, क्या कहते हो जी? रूट में है ना, तो इधर आ जाएगा 0, इधर लिखोगे 1, इधर लिखोगे 2, इधर लिखोगे -1, इधर लिखोगे -2, और ये कह रहा था एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे कह रहा था, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए जब इसको लिखने लगोगे आप, जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे -2, देखो ना एक्स की वैल्यू +-2 है, मतलब लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन लगेगा वो लेस देन इक्वल टू का लगेगा। कैसा साइन लगेगा जी? तो जब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो -2, -1, फिर 0, 1 और 2। अगर सिर्फ ये लेस देन का साइन होता, इक्वल टू का ये जो नीचे वाला साइन है वो नहीं होता, तो फिर ये इंक्लूड नहीं करते। अभी ब्रैकेट सिखाऊंगा तब बताऊंगा इसको, ओके जी? चलो फोर्थ पार्ट देखो जरा। फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYA। चलो जी फिफ्थ, बताओ भाई क्या कह रहे हैं? एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन कौन से होते हैं जिनका 31 डेज नहीं होता? फेब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यही होता है, कुछ और होता है? और एक अगला लास्ट इसमें पूछा है आपको, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के, जो के से पहले आता है। चलो मैं अगर बोलूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, क्या कह रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सनेंट, तो आपको पता है ए नहीं आएगा इसमें, ई नहीं आएगा है ना, और आई नहीं आएगा, और कहता है के से पहले, तो के तो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो ये सब आंसर होंगे हमारे, कॉन्सनेंट है के से पहले आने वाले हैं, हाँ या ना? तो ये तो समझाने के लिए बताया, आंसर हमारा ये होगा जो बच गए, जान तो क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच और जे, ये आंसर होगा हमारा, क्या कहते हो जी?
डन। चलो एक सिक्स लास्ट क्वेश्चन है इसका, बड़ा प्यारा सा आंसर है। चलो आप क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे तो मिलाने में बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो कहता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेट इन राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो, ये जैसे 1, 3, 6 और 8। चलो पहले एक बात बता, तो मैथमेटिक्स का ये तो इससे मैच हो जाएगा, हाँ या ना? चलो जी, 1, 3, 1, 2, 3, 6। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर और डिविजर ऑफ 6, इसका डिविजर क्या होता है? 1, 2, 3। तो ये सेकंड का आंसर है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं लेते। क्लियर है जी? अच्छा है, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7। तो ये इसका आंसर है, देख रहे हो? हेलो yes, yes, और ये बच गया इसका, तो जो बचा हुआ वो होगा। ये तो और आसान है, किसका किससे मैच होगा? चलो बताओ, पहले का किससे मैच हो रहा है? सी से, पहले का सी से, दूसरे का ए से मैच होगा, होगा थर्ड का डी से मैच हो रहा है, और फोर्थ का बी से मैच होगा। क्या कहते हो जी? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? तो टेल मी, नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम? तो चलो, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई, ऐसा मुझे मानना है। तो ये जो बातें बताई अभी मैंने होम फन में, अभी जो आपने यहाँ तक लिख लिया है, इसके ठीक नीचे आप अपना होम फन लिखो, और होम फन में मतलब जो घर से आपको काम दिया जा रहा है वो एक्सरसाइज 1.1, ये जो अभी दे रहा हूं मैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, ये 4 एग्जाम्पल है। ये सब सर रिपीट करके आने होते हैं, हाँ, होम फन वाले रजिस्टर में करके लेके आना है। किसमें करके आओगे? होम फन वाले रजिस्टर में। तो अगर मैं ओवर भी दूं कि आज वाली क्लास में आपने क्या सीखा, तो मैंने बोला सेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाला एक चैप्टर है, ज्योमेट्री में, सिक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में और रिलेशन एंड फंक्शन में, तो अच्छे से सीखना। मैंने आपको यहां पे बताया अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड, जिसको किसी से भी पूछ लो, आपसे, दुनिया में किसी भी बंदे से, सबका आंसर सेम होगा, यस और नो? लेकिन मैं बोलूं आपके लिए जो बेस्ट राइटर है वो कौन है, तो हो सकता है आप बोलो राइटर मेरे को अमित त्रिपाठी बहुत अच्छा लगता है, आप बोलो मुझे खुशवंत सिंह बहुत अच्छा लगता है, बोलो मुझे तो चेतन भगत के नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सबके लिए अलग अलग है भाई, यस और नो? ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। नॉट डिफाइंड की अगर बात करें तो मोस्ट और बेस्ट ये नॉट डिफाइंड होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बेस्ट कुछ और हो तो दूसरे के लिए कुछ और हो। ओके, फिर हमने बताया ये जो अंतर होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, ये जो दिखाया उसे कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, और ये जो होता है वो सेट का नाम होता है, नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, फिर बताया कि ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ये जो साइन है वो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू का और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और टेबुलर, दूसरा होता है सेट बिल्डर। सेट मीन्स सेट, एस मीन्स सेट, एस मीन्स सेंटेंस। ओके, आर एस टी याद रखो, आर और टी रोस्टर और टेबुलर होता है, और एस मीन्स, एस मीन्स सेट और एस मीन्स स्टेटमेंट। ये ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा, समझे? कई बार ना बड़े कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये रोस्टर वाले में ऐसा था या इसमें ऐसा था, तो ये वाला जो है ये वर्ड याद रखो, एस मीन्स सेट, एस मीन्स सेंटेंस, याद रखोगे? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया और फिर अभी हमने क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।